अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको अटेंडेंस की इम्पोर्टेंस तो पता ही होगी। इसी अटेंडेंस के आधार पर आपको मंथली सैलरी मिलती है। लेकिन जब कोई सरकारी कर्मचारी रिटायर हो जाता है तब उसे घर बैठे पेंशन मिलती है। अब उसकी अटेंडेंस तो होती नहीं है जिसके आधार पर पता चले कि वो जीवित है कि नहीं, या सही व्यक्ति को पेंशन का फायदा मिल रहा है कि नहीं। इसलिए सरकार पेंशन धारकों से हर साल जीवन प्रमाण पत्र मांगती है। अगर पेंशन भोगी की मृत्यु हो गई है तो उसके जीवन साथी को फैमिली पेंशन के लिए ठीक यही प्रक्रिया का, इसी प्रोसेस का पालन करना पड़ता है। 80 साल से ज्यादा के पेंशन भोगियों को 1 अक्टूबर से और 60 से 80 साल के पेंशनर्स को 1 नवंबर से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। ये दस्तावेज जमा करने के बाद ही उन्हें पेंशन मिलती है। अगर कोई लाइफ सर्टिफिकेट दाखिल नहीं करता है तो उसे जीवित नहीं माना जाता है। इसलिए आमतौर पर लोग उसी बैंक में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते हैं जहां उनकी पेंशन आती है। इसके अलावा पेंशन भोगी सेवा केंद्रों के अलावा डिजिटल तरीके से जीवन प्रमाण ऐप के माध्यम से भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर नवंबर माह यानी कि नवंबर महीने तक जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करे तो क्या होगा? क्या पेंशन रुक जाएगी? दोबारा पेंशन कैसे शुरू होगी? क्या रुका हुआ पैसा कभी वापस मिलेगा? तो यही सब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, इन्हीं सब सवालों के आपको जवाब बताऊंगी। सबसे अहम बात ये कि अगर जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है तो पेंशन रुक जाएगी। जी हाँ, आपको दिसंबर और उसके बाद की पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा। ये रोक तब तक लागू रहेगी जब तक आप जीवन प्रमाण पत्र नहीं जमा करा देते। अगर जीवन प्रमाण पत्र दिसंबर में जमा करते हैं तो अगले महीने से पेंशन मिलनी आपको शुरू हो जाएगी। मान लीजिए कि आप दिसंबर में पेंशन सर्टिफिकेट जमा करते हैं तो जनवरी में आपको पेंशन मिल जाएगी। यहाँ आपको नवंबर की रुकी पेंशन भी एरियर का भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लगातार 3 साल से ज्यादा जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करता है तो सेंट्रल पेंशन अकाउंट ऑफिस की मंजूरी के बाद ही उसकी पेंशन शुरू की जाएगी। अगर आपने अभी तक अपने पेंशन के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है और आप बैंक या किसी सुविधा केंद्र तक जाने में असमर्थ हैं तो भी आप घर पर बैठकर ही ये काम कर सकते हैं। आप इसके लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आधार फेस आईडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जैसी सारी जरूरी जानकारियों को आपको इसमें दर्ज करना होगा। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिसे दर्ज करने के बाद आपसे आधार कार्ड पर दर्ज आपका नाम पूछा जाएगा। यहाँ स्कैन करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। अब आपसे फेस को स्कैन करने के लिए अनुमति मांगी जाएगी, जिसमें आपको हाँ का ऑप्शन चुनना है यानी कि क्लिक करना है। इसके बाद आपको फोटो को स्कैन किया जाएगा, जिसका रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। ये पूरा प्रोसेस हो जाने के बाद पीपीओ नंबर और वेरीफाइड आईडी सबमिट हो जाएगा। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद आपका जीवन प्रमाण पत्र घर बैठे ही आप सबमिट कर सकते हैं। आपके पास घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के दूसरे तरीके भी हैं। डाकघर से डाकिया आपके घर पर आकर लाइफ सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको डाक विभाग का पोस्ट इन्फो ऐप डाउनलोड करना है। अगर आप तकनीकी रूप से कुशल नहीं है तो देश के 12 बड़े सरकारी और निजी बैंक भी होम बैंकिंग सुविधा के साथ लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा भी आपको देते हैं। तो इस तरह से आप घर बैठे ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो बैंक में जमा करवा सकते हैं।